हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी। एक बार फिर मैं आपके सामने मैथ्स की एक और प्रोफाइल का शॉर्टकट यानी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आया हूं। जी हां, आज हम क्या देखने वाले हैं जो बहुत ही जबरदस्त है, और वो है मेरे बच्चे सीक्वेंस एंड सीरीज। जी हां, उसमें सम ऑफ सीरीज पर एक बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है और उसका आंसर हम डायरेक्ट लिखना सीखने वाले हैं। कुछ नहीं बच्चे, क्या है प्रोफाइल? प्रोफाइल ये है कि यदि A1, A2, A3 यानी ये सब जो है एक एपी में हो, तो फिर इस तरह की सीरीज हो कि एपी के कुछ कंसेक्यूटिव टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन प्लस फिर अगले कुछ कंसेक्यूटिव टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन, ऐसी जो सीरीज है, इस सीरीज का सम हम कैसे डायरेक्टली लिखने वाले हैं। जी हाँ, फर्स्ट टर्म से शुरू हुआ पहले पी टर्म, फिर सेकंड से शुरू हुआ तो उसके बाद सेकंड से लेके अगले पी टर्म, ऐसे ही जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज का सम हम डायरेक्टली कैसे लिखने वाले हैं। जी हाँ बच्चे, ये जो हमें आज सीखना है बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसको यहां पर हम कैसे सीखेंगे, मैं एक पहले से बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, उस एग्जाम्पल से फिर इसको हम डायरेक्टली कंक्लूड करेंगे। कैसे कि मान लीजिए मुझे एन टर्म्स की एक सीरीज का सम चाहिए बच्चे, ये वाली सीरीज 1 × 2, 2 × 3, 3 × 4 से लेके n × n+1 मुझे इस सीरीज का सम चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, आप देखिएगा, इस सीरीज का nth टर्म लिख लेता हूं tn is equals to, और nth टर्म मैंने क्या लिखा, n × n+1 है हमारे पास। बच्चे मैं इसके बगल में इसी के दो टर्म्स का डिफरेंस चिपकाने वाला हूं। कैसे, मैं क्या करूंगा, मैं यदि आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं कि भैया आप हमें बताएंगे इस n से पहले इस ap का कौन सा टर्म होगा, तो आप कहेंगे नेचुरल नंबर ही तो है, n से पहले n-1 होगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा n+1 के बाद क्या होगा, तो आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो, n+1 के बाद n+2 होने वाला है। बस अब आप ज्ञानी लोगों को ये सब पता है, तो बस फिर ये सीख गए आप। हाँ, कैसे कि भाई आप जो बोल रहे हैं कि इसके बाद में n+2 आएगा, उस n+2 में से आप जो बोल रहे हैं इसके पहले n-1 आएगा, उसको माइनस कर दो। इसी एपी के दो टर्म होंगे ये, और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एपी में यदि जनरल टर्म की बात की जाए तो an+b होता है, जहां n का कोफिशियंट एक कॉमन डिफरेंस होता है। तो भाई जब सेम एपी के दो टर्म आप यहां पे माइनस करोगे तो n का कोफिशियंट तो सेम ही होगा, यानी n वाला टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, बदले में यहां बचेगा क्या, एक कांस्टेंट बचेगा बस। जी हाँ, जब n का टर्म कैंसिल हो गया तो कांस्टेंट बचेगा, और कांस्टेंट को तो हम कहीं पर भी, जी हाँ, डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड तो आसानी से किया जा सकता है। तो एक्चुअली हमने n × n+1 के बगल में इफेक्टिवली क्या चिपकाया है, n तो कैंसिल हो गया, हमने यहां 3 से मल्टीप्लाई किया, बगल में 3 लगाया है, तो कोई बात नहीं, 3 से डिवाइड करके इस 3 को बैलेंस कर देते हैं। जी हाँ, इफेक्टिवली 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया। अब देखिएगा जरा मजेदार चीज जो यहां होने वाली है, क्या मेरे बच्चे 1/3, गौर से देखिएगा, इसको मैं अंदर लेके जा रहा हूं तो मेरे पास क्या बन रहा है, n n+1 n+2 माइनस, और यहां पर क्या, n-1 n n+1। हमारा tn जो है वो हमने दो अलग अलग नंबर के डिफरेंस की फॉर्म में लिख दिया है। अब क्या करेंगे बच्चे, कुछ नहीं, n की वैल्यूज देना शुरू कर रहे हैं। लेट n इज इक्वल्स टू 1, n1 मेरे बच्चे, तो मुझे क्या मिला, फर्स्ट टर्म 1/3, 1 × 2 × 3 माइनस 0 × 1 × 2, यही ना मिला। हाँ, n का वैल्यू 2 दे दीजिए। जी हाँ, जैसे हमने n की वैल्यू 2 दी, हमें सेकंड टर्म मिलेगा, यहां से क्या मिलेगा, 1/3, देखिएगा मजेदार, 2 × 3 = 4 माइनस 1 × 2 = 3 होगा। हाँ जी होगा, n इज इक्वल टू 3 के लिए बच्चे थर्ड टर्म मिल रहा है 1/3, और यहां पर क्या, देखो तो सही, 3 × 4 = 5 माइनस ऑफ 2 × 3 = 4, यही ना होगा, बिल्कुल यही होगा। और लास्ट में n का वैल्यू n रख दो, जैसे n को n सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पर हमें आखिरी टर्म tn मिलेगा, और मेरे बच्चे ये क्या मिलेगा, 1/3। देखो आप, n n+1 n+2 होगा माइनस में, यहां क्या बचा बच्चे, n-1 n और n+1। अब हमें पता है n टर्म्स के सम का क्या मतलब है, n टर्म्स के सम का मतलब है इन सब को ऐड कर दीजिए, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं, Sn यानी t1 + t2 + t3 से लेके कहां तक, tn,
यानी हमें इन सब को ऐड करके ऐसे निकाल लेना है। ओहो, अब तो आप सही पकड़े हैं कि सर ऐड करना है मतलब तो यह कैंसिलेशन हो रहा है। कैसे? आप देखो कि ये वाला टर्म अगले वाले के सेकंड वाले से कैंसिल हो रहा है, ये वाला नंबर अगले वाले के सेकंड वाले से कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब क्लियर है इसको पिछले वाले ने कैंसिल मार दिया होगा। हाँ, मार दिया होगा, ये अगले वाले से कैंसिल हो गया होगा, तो बचा क्या हमारे पास फाइनली? ये और ये दो ही तो बचे। जी हाँ, तो जब हम एन टर्म्स का सम ऐसे निकाल रहे हैं तो 1/3 तो बाहर है ही सही। यहां से ये वाला टर्म नेगेटिव में बसता है, ये पॉजिटिव में बसता है, तो मेरे बच्चे मेरे पास क्या आया, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू माइनस 0 इंटू वन इंटू टू, ये आ गया आंसर। और ये तो जीरो है, फाइनल सम हमारे पास क्या आ गया, n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय थ्री। जी हाँ, मजेदार, ये है तरीका। अब बात आती है, सर इसमें क्या है, ये तो कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है, ये तो प्रोसेस है, ये तो पढ़ने के पीछे की कहानी है ना, तो प्रोसेस ही तो होगा। अब इससे हम क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे क्या, आंसर कैसे लिखते हैं सीधा। देखिए मेरे बच्चे, आंसर लिखने का तरीका आपको सिखाते हैं कि हमारी जो सीरीज है, यदि मैं आपसे एक बात पूछूं कि यार इस सीरीज में ये जो आपने दो टर्म लिखे हुए हैं वन इंटू टू, इस सीरीज में इस वन से पहले क्या आया होगा, आप कहेंगे जीरो आया होगा। फिर मैं आपसे पूछूं इस टू के बाद में क्या आया होगा, आप कहेंगे थ्री आया होगा। जी हाँ, फिर मैं आखिरी टर्म पर आ गया, मैंने कहा इस n से पहले क्या आया होगा, आपने कहा कि n माइनस वन आया होगा। मैंने कहा इस n प्लस वन के बाद आया क्या आया होगा, आपने कहा n प्लस टू आया होगा। हमने क्या किया, पहले टर्म में पहले नंबर से पहले वाला नंबर और बाद वाले से बाद वाला नंबर लिख लिया। आखिरी टर्म में भी ऐसा ही किया, पहले नंबर से पहले वाला नंबर बाद के बाद वाला नंबर लिख लिया। अब आंसर कैसे लिखते हैं देखिएगा, आंसर लिखने का तरीका बहुत ही शानदार, सीधा आंसर। भाई साहब, अब आप एक तरह से ये जो पहली टर्म है ना, ये पूरे को आप पहला टर्म मान लो, ये पूरे को आप आखिरी टर्म मान लो। अब आपको करना क्या है, इसके आखिरी में से पहला माइनस करो, आखिरी में से पहला मतलब ये पूरा हमारे लिए फर्स्ट टर्म है, तो अब हम इसके आखिरी नंबर में से फर्स्ट टर्म में माइनस करेंगे। थ्री माइनस जीरो कितना हुआ, थ्री। बस तो थ्री आया, तो थ्री से डिवाइड मारो पहले, चाहे आप यहां देखो चाहे यहां देखो, n प्लस टू में से n माइनस वन माइनस करेंगे, यहां भी थ्री आएगा, आप थ्री से डिवाइड मारो। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको बहुत सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, पहले का आखिरी नंबर और आखिरी का पहला नंबर उड़ा देना है और इसमें से ये माइनस कर देना है। क्या मिलेगा, ये हमने हटाया आखिरी का पहला नंबर, तो बचा क्या भैया, एन एन प्लस वन एन प्लस टू, माइनस लगाना है बीच में। यहां क्या बचा भैया, यहां पर अब आपको दिख रहा है साहब साहब, आपने पहले का आखिरी नंबर उड़ा दिया, तो बचा क्या, जीरो वन और टू, तो भैया जीरो वन और टू लिख दो, ये आ गया आंसर। यही तो निकाला हमने पूरे प्रोसेस से, तो ये तो डायरेक्ट आएगा आगे से। जी हाँ, डायरेक्ट आएगा, यही तो सीखना था हमें। अब आपके दिमाग में आया होगा, सर हम कहां माइनस लगाएं, इसको पहले और इसको बाद में, नहीं या इसको बाद में इसको पहले, भैया कॉमन सेंस, सारे पॉजिटिव टर्म्स हैं तो सम तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो फिर बड़े में से छोटा ही तो माइनस करेंगे, कौन बड़ा वाला, आपसे बड़ा वाला कोई नहीं है। जी हाँ, ये बड़ा वाला, ये छोटा वाला माइनस कर दो बच्चे, आ गया आंसर। जी हाँ, तो ये है प्रोसेस और ये है फाइनल हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स, यानी शॉर्टकट, यानी कंक्लूजन। जी हाँ, तो अब इस कंक्लूजन को हम यहां पर जनरलाइज फॉर्म में देखें कि भाई साहब ये हमसे कह रहा है कि a1, a2, a3 से लेके मान लीजिए हम यहां a नॉट भी ले लेते हैं, इससे लेके जो है एक सीरीज आपके पास चल रही है और वो सीरीज ap है, तो क्या आप हमें इसका, इस सीरीज का फाइनल सम दे सकते हो डायरेक्ट? वो भी बिल्कुल दे सकते हैं। क्या करेंगे कि सर यहां इसने nth टर्म नहीं लिखा, पहले तो हमें nth टर्म लिखना पड़ेगा। nth टर्म क्या, हम तो पहले पहला टर्म भी लिख रहे हैं, a1 A2, A3 से लेके AP, बीच में क्या है, उस कचरे से हमें कोई लेना देना नहीं। हमने क्या सीखा, बीच वालों से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बस फर्स्ट और आखिरी पर फोकस करना है। जी हाँ, तो यहां फर्स्ट वाला ये है, आखिरी वाला क्या है कि भैया n टर्म्स बोल रहा है, फर्स्ट वाला A1 से शुरू हो रहा है, सेकंड वाला A2 से शुरू हो रहा है, तो n वाला An से शुरू होगा, An, An plus 1 से लेके कहां तक, An plus P minus 1। अब ये कैसे आया, अरे यार कॉमन सेंस, यहां आखिरी p है तो 1 में क्या ऐड करें कि p मिले, p माइनस वन,
यहां आखिरी p प्लस वन है, टू में क्या ऐड करें कि p में हाँ p प्लस वन मिले? जी हाँ, p माइनस वन, टू में p माइनस वन ऐड करोगे p प्लस वन मिलेगा, वन में p माइनस वन ऐड करोगे तो p मिलेगा, तो n में p माइनस वन ऐड करूंगा तो आखिरी टर्म ना मिलेगा। हाँ, अब ये आ गया, बस ये हमारा पहला आखिरी टर्म। अब हमें क्या करना है, हमें कलाकारी करनी है। कलाकारी क्या कि भैया इससे पहले क्या आया होगा, इससे पहले आया होगा बताओ, इससे पहले कि सर इससे पहले तो कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, a नॉट आया होगा, a जीरो वाला टर्म, जैसे मैंने कहा a जीरो से शुरू हो रही है p। इसके बाद में क्या आया होगा कि भैया इसके बाद में आपको ए पी प्लस वन मिला होगा। जी आखिरी वाले में इससे पहले क्या आया होगा, ए एन माइनस वन आया होगा। इसके बाद वाले में क्या आया होगा, ए एन प्लस पी आया होगा। क्या किया हमने, पहले टर्म के पहले नंबर से पहला वाला नंबर, बाद वाले से बाद वाला नंबर लिख लिया, और ऐसे ही आखिरी टर्म में भी किया, फर्स्ट से पहले वाला और लास्ट से बाद वाला नंबर लिख लिया। अब हमारे लिए फर्स्ट टर्म ये पूरा है, यही तो सिखाया मैंने अभी, और आखिरी टर्म हमारा ये पूरा है। अब हमें क्या करना है, आंसर लिखना है सीधा। कैसे लिखेंगे सीधा आंसर कि भैया सबसे पहले तो डिवाइड मारना है, किससे डिवाइड मारेंगे, आखिरी में से पहला माइनस करेंगे, आखिरी में से पहला माइनस करने पर क्या बचेगा। हाँ अब आपको पता है कि सर ये तो पता है हमें, कैसे कि सर आखिरी में से पहला माइनस करना है तो ए नॉट तो क्या होगा कि सर ए नॉट तो ए नॉट है, यहां पर ये ए वन माइनस डी रहा होगा। ए यदि मैं आपसे कहूं पी प्लस वन तो आप कहेंगे सर ये ए वन प्लस पी डी रहा होगा। अरे भैया सिंपल सी बात है, यदि ये टर्म है तो ये तो डी माइनस करके मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा, और ये वाला टर्म जो है ये एपी का p प्लस वन टर्म है, एपी का n टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस वन डी, तो ए पी प्लस वन क्या होगा a वन प्लस पी डी। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ओहो इन दोनों का डिफरेंस तो साफ साफ दिख रहा है, p प्लस वन डी आखिरी का, पहले का डिफरेंस p प्लस वन डी, उससे डिवाइड मार दो, मार दिया। जी हाँ, इसके बाद अब हमको पता है क्या करते हैं कि सर आखिरी का पहला नंबर हटा देते हैं और पहले का आखिरी हटा देते हैं और दोनों के बीच में माइनस लगा के आंसर लिख देते हैं। जी हाँ, ये हटाया तो बचा क्या, an an प्लस वन, कहां तक जाना है, an प्लस पी तक। जी हाँ, माइनस फिर इसमें से आखिरी हटाया तो कहां से शुरू करेंगे, a नॉट से, a नॉट a वन, और कहां तक जाएंगे, a पी तक। देखो भैया यही तो लिखा हुआ है, ये हमारा कंक्लूजन, और आपको देख रहा है कि यहां तो हमने सब सिंबल्स में खेला है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा अजीब हो गरीब हो, लेकिन जब नंबर्स में खेलेंगे तो बहुत आसान होगा, जैसे हमने खेला था नंबर में, हमने जब यहां पे देखा तो नंबर्स में खेला बहुत आसानी से मिला कि वन से पहले जीरो, टू के बाद थ्री, फिर एन से पहले एन माइनस वन, एन प्लस वन के बाद एन प्लस टू, हमने थ्री में से जीरो माइनस किया, थ्री आया तो थ्री से डिवाइड मारा, और यहां का आखिरी और यहां का पहला हटा दिया, इसका पहला हटाया तो ये बचा, इसका आखिरी हटाया तो ये बचा, सीधा आंसर। जी हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हैं कंक्लूजन के बाद। अब हमने पर्दे के पीछे की कहानी भी देख ली और हमारा शॉर्टकट वाला पर्दा भी उठा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है भाई इस सीरीज का सम लिखना है, कितना 2021 टर्म्स, करंट ईयर में खेल रहा है भाई साहब, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 2021 तो अच्छा साल है। जी हाँ, 2020 से तो कहीं ज्यादा अच्छा है, निश्चित है आप सबके लिए भी अच्छा है। क्या होगा भैया देख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, एपी है क्या, हाँ 7 प्लस 7 फिर 14 प्लस 7 वही तो चल रहा है तो एपी भाई साहब। तो फिर क्या करें बच्चे, हमें यदि इसका सम लिखना है तो सबसे पहले तो हम इस सीरीज का पहला टर्म लिखते हैं और आखिरी लिखते हैं, हमें उन दो से मतलब है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। पहला है 7, फिर 14, फिर 21, यही है बिल्कुल है, बीच में जो भी चल रहा है मतलब नहीं है, आखिरी है 2021 टर्म्स की बात कर रहा है। तो अब हम क्या करें भाई, देखो फर्स्ट टर्म 7 इंटू 1 से शुरू हुआ, फर्स्ट टर्म 7 इंटू 1, 7 इंटू 2, 7 इंटू 3 ऐसे चला, या फर्स्ट टर्म 7 इंटू 1 से शुरू हुआ फिर उसके आगे के दोनों नंबर 7 ऐड कर करके मिल गए, 7 में 7 ऐड किया 14 आ गया, 14 में 7 ऐड किया 21 आ गया, आया हां जी। तो अब ये nth टर्म कहां से शुरू होगा भाई, फर्स्ट 7 इंटू 1 से, तो nth 7 इंटू n से, यानी 2021 कहां से शुरू होगा, 7 इंटू 2021, ये पहला टर्म हो गया। फिर मेरे बच्चे यहां पर अगला भी तो लिखना है, तीन लिखने हैं हमें, तो अगला होगा आप बता दीजिए 7 इंटू 2022, फिर अगला 7 इंटू 2023, भैया इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, आएगा हां जी आएगा। अब हमारी कलाकारी क्या है,
जिससे सीधा आंसर लिखते हैं। हाँ, ये ज्ञान तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता चल ही गया है कि सर कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले इससे पहले वाला काम देखो, भैया इस सीरीज में एपी में कॉमन डिफरेंस 7 है, तो इससे पहले वाला कैसा मिलेगा? इसमें से 7 माइनस करके, इसमें से 7 माइनस किया 0। इसके बाद वाला कैसे मिलेगा? इसमें 7 ऐड करके, ऐड किया कितना हो गया 28। फिर यहां पर इसमें से 7 माइनस करेंगे तो इससे पहले वाला टर्म वो मिलेगा 7 × 20 = 20 मिलेगा, और इसमें 7 ऐड करेंगे तो अगला वाला टर्म 7 × 20 = 24। ओहो, अब सीधा आंसर कैसे? सबसे पहले आखिरी में से पहला माइनस करो, इसमें से ये माइनस किया 28 - 0 = 28 यानी 1/28। फिर क्या करेंगे? जी हाँ, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर कुछ नहीं करना है। अब आप जो है पहले का आखिरी नंबर, आखिरी का पहला नंबर हटा दो और माइनस लगा के आंसर लिखो। जी हाँ, ये आएगा 7 × 20 = 21। फिर इसी तरह से ये पहला नंबर, फिर 7 × 20 = 22 दूसरा नंबर, फिर 7 × 20 = 23 तीसरा नंबर, फिर 7 × 20 = 24 चौथा नंबर। होगा नहीं होगा? जी हाँ। और यहां क्या मेरे बच्चे, माइनस आपको दिख रहा है कि भैया 0 × 7 × 14 × 21 ये वाली वैल्यू तो 0 हो गई, हो गई बिल्कुल, हो गई। अब ये है, ये हमारा फाइनल आंसर है, लेकिन जो उसने हमें दिया है वो अलग फॉर्म में दिया है। लेकिन भाई साहब आप देखो, वो 7 पावर 4 तो दे ही रहा है, मतलब ये कि इन 7 को जो चार बार आया है इनको तो 7 पावर 4 बना के अलग कर दो, बाकी जो बचता है वो क्या है 20, 21, 20, 22, 20, 23 और 20, 24 होल डिवाइडेड बाय 28। इसमें भी जो ना गौर से ऑप्शन देखें तो मुझे ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं हर जगह। हाँ, यानी इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो भैया किसके साथ करनी है? डिवाइड मारना है इनको, इनको डिवाइड मारते हैं तो भैया यहां से आपके पास कितना आ जाता है? यदि हम यहां से देखें तो ये 7 इसको 4 से डिवाइड मारा तो ये देखा 506। बिल्कुल जी, यहां से 7 इसको इससे 7 से डिवाइड मारा तो आपको दिखता है 2 और 62 यानी 8। और उसके बाद यदि हम देखें तो आपके पास यहां पर कितना आ गया? हाँ जी, तो यहां हम देखें तो वे 9 आ गया 63 से, देखो हाँ 289 506 हमारा पहला वाला ही आंसर आ गया। आया? जी हाँ। तो उसने यहां पे बढ़िया क्वेश्चन दिया और हमने सीधा आंसर निकाला। अगला जी, नंबर में निकालना आसान होता है लेकिन वो जब सिंबल्स में खेलता है तो इतना आसान नहीं होता है। अब वो सिंबल में खेल रहा है, कोई बात नहीं, हम पोजीशन लेते हैं। हाँ, ठोकेंगे 6 बिल्कुल। क्या कि भैया a1 a2 a3 an+3 is an ap with a common difference 5, ap का common difference 5 दिया है, and such that a1 a2 a3 a2 a3 a4, और इस तरह से ये जो है इस सीरीज का सम, ap से सीरीज बना रहा है, वही जो हम सीखे हैं, तो सीधा आंसर लिखना सीख लिए हैं तो लिखते हैं ना, काहे घबराना है भाई। पहले तो क्या मेरे बच्चे, a1 a2 a3, फिर a2 a3, ऐसे ही a4 चल रहा है ना, हमें ज्यादा से मतलब नहीं है। आखिरी टर्म क्या है? an + 1 और an + 2। क्लियर? बिल्कुल। अब मेरे बच्चे, हमारा सम लिखने के तरीके में कौन से टर्म्स मैटर करते हैं? फर्स्ट और लास्ट। और उसमें हम क्या गलागरी करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट में पहले से पहले बाद वाला नंबर और बाद के बाद वाला नंबर लिखना होता है। तो a1 से पहले क्या आया होगा? a1 - 5 नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा, क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो 5 है, तो इससे पहले वाला टर्म वो तो इसमें से 5 माइनस करके मिलेगा। बिल्कुल, ये वाला a3 के बाद तो a4 आएगा, बिल्कुल आएगा, कोई डाउट ही नहीं है। तो ये हमारे काम का पहला टर्म हो गया, बीच वालों से मतलब नहीं है। आखिरी वाले में an से पहले क्या आया होगा? an - 1 आया होगा। an + 2 के बाद क्या आया होगा? an + 3 आया होगा, क्योंकि देखो वो an + 3 तक तो लेके ही जा रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यहां आया होगा। अब हमारे आंसर लिखने का तरीका क्या कहता है? आखिरी में से पहला माइनस कर दो। ओके, तो चलिए आखिरी में से पहला माइनस कर देते हैं, उससे डिवाइड मारेंगे, यानी a4 - a1 - 5 इससे डिवाइड मार दिया। ठीक है, फिर क्या करते हैं? आपको पता है कि पहले वाले टर्म का आखिरी नंबर हटाना होता है, आखिरी वाले का पहला वाला हटाना होता है, माइनस लगा के आंसर लिखना होता है। तो ये आएगा an + 1 an + 2 और यहां पर an + 3 माइनस ऑफ,
यहां क्या आएगा मेरे बच्चे, यहां दिख रहा है कि a1 माइनस 5 आएगा, इसी तरह से a1 आएगा, a2 आएगा और a3 आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा ना। जरा कंपेयर तो करो भाई साहब। ओहो, कंपेयर करें तो ये क्या किया है, इस टर्म को पहले लिखा है और इसको बाद में लिखा है, बाकी सब बिल्कुल झक्कास है, बिल्कुल सही है, बस ये आगे पीछे लिखा है तो कोई बात नहीं, माइनस कॉमन लेंगे आगे पीछे हो जाएगा। बात है इसकी कि ये क्या होगा, तो चलिए इसमें से माइनस कॉमन लिया, माइनस हमने बाहर ले लिया। A4 मेरे बच्चे, आप सब तो समझदार ज्ञानी लोग हैं, A4 किसके इक्वल होगा, आप जानते हैं कि सर ये जो A4 होगा ना, ये होगा A1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डी, और डी कितना है 5, तो ये आएगा। आएगा जी हाँ, तो ये लिखेंगे A1 प्लस 15, A1 प्लस 15 और माइनस किया A1 माइनस 5, A1 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 20 आ गया। यस जी, अब मेरे बच्चे हमने माइनस कॉमन ले लिया है तो A1 माइनस 5, A1, A2 और A3 माइनस ऑफ An, और इसी तरह से An प्लस 1, An प्लस 2 से लेके An प्लस 3 पर खत्म कर दिया। एग्जैक्टली वही है जो हमें दिया हुआ है, मतलब यहां जो M दिया हुआ है ना भाई साहब, उस M की वैल्यू कितनी हैगी, वो है हमारे पास मेरे बच्चे -1/20। ओके, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है 100 m का वैल्यू, m का वैल्यू हमारे पास है, वो कह रहा है 100 m की वैल्यू बताओ। तो भैया m यदि -20 है तो आप सबको पता है कि 100 m कितना हो जाएगा, 100 m इज इक्वल्स टू 100 × -1/20 यानी -5, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर? अगला आ गया जी, और ये है हमारा अगला क्वेश्चन, कंसीडर द समेशन ऑफ सीरीज दिस, n टर्म्स तक हमें ये सम Sn दिया हुआ है, और फिर सिग्मा 1 to n 1/SR, इसका सब यानी सीरीज का सम, उसके बाद एक और सीरीज बन के उसका भी सम, भाई साहब गुगली है। ओहो, पोजीशन लेनी पड़ेगी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, देखते हैं क्या है। हाँ जी, सबसे पहले तो हम इसका सम निकालते हैं। मेरे बच्चे इसमें मुझे एक चीज दिख रही है कि इसका जो पैटर्न दिख रहा है, उस पैटर्न को देखकर मैं कह सकता हूं कि इस सीरीज का जो nth टर्म होगा वो ये नहीं होगा कि सीरीज का nth टर्म सिग्मा एन क्यूब, सिग्मा एन आप सब तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिग्मा आर क्यूब, जहां आर 1 से लेके एन चलता है, ये होता है एन स्क्वायर, एन प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 होता है। हाँ जी, और इसी तरह से ये भी पता है कि सिग्मा आर, जहां आर 1 से लेके एन चल रहा है मेरे बच्चे, ये किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन प्लस 1/2। जरा गौर से देखो, जो एन टर्म बन रहा है वो यही तो बन रहा है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब से लेके एन क्यूब, इसी तरह से 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके एन, यही है। जी हाँ, तो ऊपर तो नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है, यहाँ नेचुरल नंबर्स का सम है, और ये हमारे पास इनके इक्वल होता है, तो भैया यहाँ से मुझे दिख रहा है मेरे बच्चे कि एन स्क्वायर एन प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, ये तो न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया, एन इंटू एन प्लस 1/2 हो गया। तो बच्चा यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये n कैंसिल हुआ, ये n प्लस 1 कैंसिल हुआ, हमारे पास जो tn आ रहा है वो कितना आ रहा है, tn तो आप गौर से देख रहे हैं तो आपको मिल रहा है n इंटू एन प्लस 1/2, यही है। जी हाँ, यही है। अब यदि सीरीज के सम की बात करें, यानी Sn की बात करें, तो Sn मुझे ऐसा दिख रहा है, जरा गौर से देखो क्या कि Sn दिख रहा है 1 × 2 प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4 से लेके n इंटू एन प्लस 1, यही तो है। देखो आप जब यहां पे n की वैल्यू रखना शुरू करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म ऐसे ही तो मिलेंगे। जी हाँ, ऐसे ही मिलेंगे। तो ये आ गया, इसका सम तो अभी डायरेक्टली लिखना सीखा है, लिख देते हैं डायरेक्टली क्या आएगा इसका सम। जरा गौर से देखो कि भैया हमें कुछ नहीं करना है, इससे पहले वाला नंबर लिखना है 0, इसके बाद वाला नंबर लिखना है 3, इधर इसके पहले वाला लिखना है n माइनस 1, इसके बाद वाला लिखना है n प्लस 2। हाँ जी, और हमें क्या करना है कि भाई ये 1/2 तो बाहर पहले से है, इसमें से 3 में से 0 माइनस किया तो 3 आया, 3 से डिवाइड मानना है, माना है नहीं माना है, फिर आखिरी वाले टर्म का पहला नंबर हटा देना है और पहले वाले टर्म का आखिरी नंबर हटा देना है, दोनों के बीच में माइनस लगाना है, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 माइनस 0 इंटू 1 इंटू 2, ये तो 0 हो गया। हमारे पास सम जो आ गया, यानी Sn जो आ गया, वो 1/6 n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस
टू आ गया, आ गया। जी हाँ, अब मेरे बच्चे यदि ये हमारे पास आ गया है तो अब हम जो है सम कैसे लिखने वाले हैं, जो अगली सीरीज उसने दी है उसका, उस पर गौर करिएगा। जी हाँ, फाइनली हमारा जो एस एन आया वो एस एन कितना आ गया, वो आ गया एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय सिक्स। अब आप सोचो जो सीरीज वो हमसे कह रहा है, कौन सी सीरीज, सिग्मा वन अपॉन एस आर, जहां आर वन से लेके एन जा रहा है, ये सीरीज क्या बनने वाली है, जरा गौर से देखिएगा। अब यहां देखें तो ये एस आर क्या बन रहा है भैया, कि ये बन रहा है बच्चे सिग्मा आर फ्रॉम वन टू एन, और ये बन गया सिक्स अपॉन आर, आर प्लस वन, आर प्लस टू, यही बन रहा है ना, बिल्कुल यही बन रहा है। तो बच्चे सीरीज बनेगी क्या, देखो अब सिक्स तो बाहर आ गया, मेरे पास बचा वन वन टू थ्री प्लस टू थ्री फोर, आर की वैल्यू रख दी मैंने, ऐसे ही रखते जाएंगे। तो आखिरी हमें दिख रहा है कि एन रखेंगे आर का वैल्यू, तो एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, यही तो आएगा। हाँ, और इस सीरीज का सम तो हम पहले सीखे हुए हैं डायरेक्ट लिखना, कैसे कि भैया इसमें तो बहुत आसान होता है कि इसका सम लिखना है तो ये सिक्स तो बाहर है ही सही, आप इस थ्री में से वन माइनस कीजिए, कितना बचता है टू, टू से डिवाइड मारें, जी हाँ, और पहले का आखिरी नंबर और आखिरी का पहला नंबर हटा के बीच में माइनस लगा दो, जी हाँ, वन अपॉन वन इंटू टू माइनस वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू, यही तो होगा। हाँ, अब भाई साहब इस सम को उसने इस फॉर्म में लिखा है और उसके बाद वो कह रहा है कि x और y दोनों कोप्राइम नंबर है, आप x और y कंक्लूड कर लो तो x प्लस y तो मिल ही जाएगा। तो चलिए हम शुरू हो जाते हैं बच्चे, हम इसका कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या होने वाला है। ये 6 बाय 2 मिलके क्या बन गया जी, 3 बन गया। यहां जरा गौर से देखिएगा, इसका एलसीएम लिया जाए तो 2 इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू आपके पास आता है, यहां आता है एन प्लस वन और एन प्लस टू माइनस ऑफ टू। यहां इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, टू और टू कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, थ्री बाई टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, जी हाँ, और टू हो गया कैंसिल, नीचे आपके पास एन प्लस वन एन प्लस टू, यही ना बचा, और एन स्क्वायर प्लस थ्री एन तो एन इंटू एन प्लस थ्री है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू आ गई जी, एक्स कितना थ्री, वाई कितना टू, दोनों का सम कितना फाइव, आंसर क्या, बॉम्बे, यस, जी हाँ। तो हमने एक बहुत बढ़िया गुगली भी जो है उसको भी हमने बाउंड्री के बाहर भेज दिया, बहुत आसानी से, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और हमने हमारे तरीकों से डायरेक्ट मिनिमम एफर्ट्स में आंसर लिखा है। जी हाँ मेरे बच्चे, ये है आपका आज का होमवर्क, उम्मीद करते हैं जो आपने सीखा है उससे आप होमवर्क का आंसर जरूर एग्जैक्टली सही निकालेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैप्पी लर्निंग।